नमस्कार, आज की खबर चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों आज के हमारे इतिहास के बारे में। हम आपको बताएं दोस्तों, आज 16 फरवरी है। हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों 16 फरवरी के रोज हमारे इतिहास में कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं जो घटित हुई है। हम आपको बताएंगे दोस्तों आज के दिन कौन कौन से महापुरुष है जिनका आज के दिन जन्म हुआ है। हम आपको बताएंगे दोस्तों आज के दिन कौन कौन से महापुरुष है जिनका आज के दिन देहांत हुआ है। हम आपको देंगे सारी जानकारी। तो दोस्तों, आप हमारा जो चैनल है आज की खबर, उसको सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक देना ना भूलें। शुरू करते हैं दोस्तों। पहले हम आपको यह बताते हैं आज के दिन कौन से महापुरुष है जिनका आज के दिन जन्म हुआ। आज जन्म हुआ है गुलाम मोहम्मद शेख का। गुलाम मोहम्मद शेख का जन्म हुआ है दोस्तों 16 फरवरी 1937 को। हम आपको बताएं दोस्तों गुलाम मोहम्मद शेख कौन है। हम आपको बताते हैं दोस्तों, गुलाम मोहम्मद शेख एक चित्रकार हैं, लेखक हैं और कला के समालोचक हैं। हम आपको बताएं दोस्तों, गुलाम मोहम्मद शेख को अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार होने की उपाधि भी मिली हुई है। ये पूरे भारतवर्ष के अलावा जो हमारी पूरा वर्ल्ड है दोस्तों, उसके अंदर इनकी ख्याति विख्यात है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों आज के दिन जन्म हुआ है दर्शन का। हाँ दोस्तों, दर्शन को तो आप जानते होंगे, जो कर्नाटका फिल्म इंडस्ट्री है दोस्तों, उसके अंदर ये महान हीरो है। हम आपको बताएं दोस्तों, दर्शन का जन्म हुआ है 16 फरवरी 1977 को। दर्शन एक भारतीय फिल्म एक्टर है। आज के दिन जन्म हुआ है दोस्तों IAS जौहर का। हाँ दोस्तों, हम आपको बताएं IAS जौहर जो पुरानी पिक्चरें होती थी दोस्तों हमारी, उसके अंदर ये हास्य और कॉमेडी का काम करते थे दोस्तों, और महान कलाकार थे दोस्तों। हम आपको बताते हैं दोस्तों, IAS जौहर का जन्म हुआ था 16 फरवरी 1920 को और इनका देहांत हुआ था दोस्तों 10 मार्च 1984 को। हम आपको बताएं दोस्तों, IAS जौहर नाम से विख्यात, इनका पूरा नाम था दोस्तों इंद्रजीत सिंह जौहर। हम आपको बताएं, यह बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के महान एक्टर थे और कॉमेडियन थे दोस्तों। हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों आज के दिन कौन कौन से महापुरुष जिनका आज के दिन देहांत हुआ है। हम आपको बताएं दोस्तों, आज के दिन देहांत हुआ है दादा साहब फाल्के का। हाँ दोस्तों, हम आपको बताएं, दादा साहब फाल्के का जो पुरस्कार है वो भी इन्हीं के नाम से शुरू किया गया है। हम आपको बताएं, दादा साहब फाल्के का जन्म हुआ है 30 अप्रैल 1870 को और इनका देहांत हुआ था 16 फरवरी 1944 को। दादा साहब फाल्के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, निर्देशक एवं पटकथा लेखक थे। हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, आज के दिन देहांत हुआ है मेघनाथ साहा का। मेघनाथ साहा का जन्म हुआ है 6 अक्टूबर 1893 को और इनका देहांत हुआ है 16 फरवरी 1956 को। मेघनाथ साहा गणित एवं भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करने वाले भारतीय वैज्ञानिक थे। हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों आज के दिन कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं जो घटित हुई है। 1914 आज के दिन लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को के बीच में पहली विमान सेवा शुरू की गई थी। तो दोस्तों, यह है आज का हमारा संपूर्ण इतिहास। आप हमारा जो चैनल आज की खबर, उसको लाइक और सब्सक्राइब देना ना भूलें। नमस्कार।